जय हिंद दोस्तों, रोजगार गाइड प्रस्तुत करते हैं 20 ऐसे सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो कि पहले ही एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हम इनका आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं। शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस में इंडियन हिस्ट्री से, ये है एपिसोड नंबर 002 के बारे में। नंबर एक क्वेश्चन है, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपेंड बाय, जो ग्रेट सिल्क रूट था ये किसके द्वारा खोला गया था। नंबर एक कनिष्का, नंबर दो अशोका, नंबर तीन हर्षा, नंबर चार फाहियान। ये पूछा गया है एसएससी कॉम्बाइन ग्रेजुएट लेवल प्रीलिम एग्जामिनेशन 4/7/1999 में सेकंड सेटिंग में। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आप देख लें रेड में लिखा हुआ है ताकि समय की बचत हो। दोस्तों इसका आंसर है नंबर एक कनिष्का, कनिष्का के द्वारा ग्रेट सिल्क रूट जो है वो खोला गया था। नंबर दो क्वेश्चन, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स प्रिविलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क को फ्री में टैक्स फ्री गांव देना शुरू कर दिया। ऑप्शन है नंबर एक सातवाहन, नंबर दो मौर्याज, नंबर थ्री गुप्ताज और जो चौथा नंबर है वो है चोलाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर एक सातवाहनाज। सातवाहनों ने बुद्धिस्ट मॉन्क को और ब्राह्मणों को टैक्स फ्री विलेजेस दान करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर तीन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक इज, यानी कि वैदिक दौरान के जो वैदिक मैथमेटिक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक कौन सा है। तो नंबर एक आंसर है सतपथ ब्राह्मण, नंबर दो है अथर्व वेदा, नंबर तीन है सुल्फा सुतराज और नंबर चार है छंगोदया उपनिषद। इसका सही जो आंसर है वो है सुल्फा सुतराज। सुल्फा सुतराज जो है वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, टेक्स्ट बुक है। अगला क्वेश्चन नंबर चार, यवानिका और कर्टेन यानी कि पर्दे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा पर्दों का जो है इंडियन थिएटर में इंट्रोडक्शन किया गया। नंबर एक है शकाज, नंबर दो प्रथियंस, नंबर तीन ग्रीक्स एंड नंबर फोर इज कुशान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीक्स। ग्रीक्स द्वारा इंडियन थिएटर में पर्दों का इस्तेमाल जो है वो शुरू किया गया। नंबर पांच सवाल है, हु स्टार्टेड द शका एरा, शक संवत जिसे हम बोलते हैं, विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो शक संवत कैलेंडर इस्तेमाल कर रही है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो नंबर एक क्वेश्चन है कनिष्का, नंबर दो है विक्रमादित्य, नंबर तीन है समुद्रगुप्ता एंड नंबर फोर इज अशोका। तो जो इसका सही आंसर है वह है दोस्तों कनिष्का। कनिष्का ने शका संवत जो है शुरू किया था जिसको अभी भी इंडियन गवर्नमेंट यूज कर रही है। क्वेश्चन नंबर छः पर चलते हैं, व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता, अजंता में जो चित्रकारी की गई है वो किससे इंस्पायर्ड है, किससे असर ली हुई है। तो नंबर एक है कंपैशनेट बुद्धा, नंबर दो राधा कृष्ण लीला, नंबर तीन है जैन तीर्थंकर्स और नंबर चार है महाभारत एनकाउंटर्स। इसका जो सही आंसर है वो है कंपैशनेट बुद्धा। अगला सवाल नंबर सात, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, इनमें से जो नीचे दिया हुआ है सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। नंबर एक जर्जस, नंबर दो अलेक्जेंडर, नंबर थ्री डारियस वन, नंबर फोर सिलुकस। इसका जो सही आंसर है वो है नंबर थ्री डारियस वन। क्वेश्चन नंबर आठ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, नीचे दिए हुए में से सबसे पुरानी जो डायनेस्टी है वो कौन सी है। नंबर एक है मौर्य, नंबर दो है गुप्ता, नंबर तीन है कुशान और नंबर चार है कानवा। और जो सही आंसर उसका है वो है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी जो है वो सबसे प्राचीन है। नंबर नौ, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीवका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड, नीचे जो ऑप्शन है इनमें से किससे जो है जो तमिल की एक क्लासिक जीवका चिंतामणि नाम से है ये संबंधित है। नंबर एक है जैनिज्म से, नंबर दो बुद्धिज्म से, नंबर थ्री हिंदुइज्म से एंड नंबर फोर क्रिश्चियनिटी से। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर एक जैनिज्म। जैनिज्म से जीविका चिंतामणि एसोसिएटेड है जो कि तमिल में लिखी हुई है। नंबर दस है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रिथ हिज लास्ट, अंतिम सांसें भगवान बुद्धा ने कहाँ पर ली थी। नंबर एक ऑप्शन है राजगीर, नंबर दो बोधगया, नंबर तीन सारनाथ और नंबर चार कुशीनगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो सही जवाब है वो है नंबर चार कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांसें अपने लिए जिसे कहते परिनिर्वाण प्राप्त किया।
नंबर 11 क्वेश्चन, हु वेयर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया, भारत में गोल्ड क्वाइंस इशू करने वाले पहले राजा कौन थे। नंबर 1 मौर्यास, नंबर 2 इंडो ग्रीक्स, नंबर 3 गुप्ताज, नंबर 4 कुशान। नंबर 2 इंडो ग्रीक्स, ये जो थे इन्होंने पहले इंडिया में सोने के सिक्के चलवाए थे। नंबर 12 क्वेश्चन है, वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 कांची, नंबर 2 मदुरई, नंबर 3 श्री शैलान, नंबर 4 तंजोर। इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4 तंजोर। क्वेश्चन नंबर 13, इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक्स शिल्पदिकरम एंड मनी मेखलाई आर रिलेटेड टू, किससे ये रिलेट करते हैं दोनों बुक। नंबर 1 जैनिज्म, नंबर 2 बुद्धिज्म, नंबर 3 हिंदुइज्म एंड नंबर 4 क्रिश्चियनिटी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 2 बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से संबंधित है ये दोनों किताबें, शिल्पादिक्रम और मनी मेखलाई। नंबर 14 क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड महाबलीपुरम, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की। नंबर 1 पल्लवा, नंबर 2 पांड्या, नंबर 3 चोला और नंबर 3 है चालुक्या। तो दोस्तों इसका असल जो जवाब है वो है नंबर 1 पल्लवा। पल्लव जो थे उन्होंने महाबलीपुरम की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 15, द शका एरा कमेंसिंग फ्रॉम AD 78 वाज फाउंडेड बाय, शक संवत जो कि 78 AD में शुरू हुई थी उसकी जो फाउंडेशन है वो किसने की थी। नंबर 1 है कनिष्का, नंबर 2 अशोका, नंबर 3 चंद्रगुप्ता और नंबर 4 है विक्रमादित्य। सही आंसर इसका है दोस्तों नंबर 1 कनिष्का। कनिष्का ने 78 AD में शक संवत की स्थापना की थी, वहीं से शुरू हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, इनकी गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट अस्तित्व में आया था। नंबर 1 हीनयान सेक्ट, नंबर 2 महायान सेक्ट, नंबर 3 वैष्णव सेक्ट और नंबर 4 है शैवा सेक्ट। सही जवाब है नंबर 2 महायान सेक्ट, जिनके द्वारा गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट अस्तित्व में आया। नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकैवेटेड इन इंडस वैली, विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई हुई थी उसमें जो है किससे पता लगता है कि वो कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वहाँ पे। नंबर 1 है आंसर पॉटरी, नंबर 2 है सील्स, नंबर 3 हो गया द बोट्स, नंबर 4 द हाउसेस। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है नंबर 2 सील्स। मोहरों को देख के पता लगा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कमर्शियली और इकोनॉमिकली जो है डेवलपमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव्ड टू बी द नेक्स्ट इनकार्नेशन ऑफ गौतम बुद्धा, यानी जो बुद्धिस्ट लोगों की बिलीफ है उस हिसाब से गौतम बुद्धा का जो अगला इनकार्नेशन है, अगले अवतार हैं वो कौन है। नंबर 1 आंसर है अत्रेया, नंबर 2 मैत्रेया, नंबर 3 नागार्जुना और नंबर 4 है कल्कि। आंसर है दोस्तों इसका नंबर 2 मैत्रेया। बुद्धिस्ट बिलीफ के हिसाब से जो अब गौतम बुद्धा के बाद अपना नेक्स्ट जो आएंगे अवतार उनका नाम है मैत्रेया। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर कॉन्टेम्पोरेरीज ऑफ कनिष्का, कनिष्का के समकालीन कौन थे। नंबर 1 है कंबन, बाणभट्ट और अश्वघोषा, नंबर 2 है नागार्जुना, अश्वघोषा और वसुमित्रा, नंबर 3 है अश्वघोषा, कालिदासा और बाणभट्ट, नंबर 4 है कालिदासा, कंबन और वसुमित्रा। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आंसर नंबर 2 नागार्जुना, अश्वघोषा और वसुमित्रा, ये कनिष्का के समकालीन थे। लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 20, विच रूलर्स बिल्ट द एलोरा टेम्पल्स, यानी कि एलोरा जो मंदिर है इसे किन शासकों ने बनाया था। नंबर 1 है आंसर चालुक्या, नंबर 2 है सुंगा, नंबर 3 राष्ट्रकूटा, नंबर 4 पल्लवा। दोस्तों थोड़ा सा मैं ब्रेक चाहूँगा, दोस्तों आप लोग इतने फ्लो में आ जाते हैं सुनते सुनते कि लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि ये जो वीडियोस हैं आपको रेगुलरली मिलते रहें। कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्वेश्चंस हम 20 ला रहे हैं ये 20 सफिशिएंट है, कम करना है या इसे हम और बढ़ा करके 30, 40 या 50 पे लेके जाएं। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो जितने भी सवाल के जवाब हमने अभी तक देखे हैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसके क्यों हुआ ये जवाब, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बारे में। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे सब सवालों के जवाब का एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं इसके आंसर पे। दोस्तों इसका जो आंसर है
वो है नंबर 3 राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के जो शासक थे उनके द्वारा ही एलोरा टेम्पल की स्थापना की गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड एंड ऑल्सो कमेंट योर कंसर्न्स। जय हिंद, जय भारत।